कांगड़ा चंबा लोकसभा संसदीय क्षेत्र का जनरल हाउस धर्मशाला में संपन्न हुआ। इस जनरल हाउस में कांग्रेस की रैली में पूरा जोश दिखा। धर्मशाला मंच से एक के बाद एक सभी नेताओं ने जीत की हुंकार भरी और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने सती के अभद्र टिप्पणी पर रोष जताया और अपने स्तर पर कार्रवाई करने की बात कही है। कांगड़ा चंबा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जनरल हाउस धर्मशाला में संपन्न हुआ। इस जनरल हाउस में कांग्रेस की रैली में पूरी तरह से जोश दिखा। धर्मशाला मंच से एक के बाद एक सभी नेताओं ने जीत की हुंकार भरी और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने सत्य के अभद्र टिप्पणी पर रोष जताया। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने घरों से बाहर निकलें और कांग्रेस के मिशन के लिए जुट जाएं। अपने अपने इलाकों में कार्यकर्ता कांग्रेस को लीड दिलवाएं और इसके लिए काम करें। वहीं सभी कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पवन काजल हमारे बारात के है। ये चुनाव दो विचारधारा का चुनाव है और देश का चुनाव है। 5 साल पहले चुनाव हुआ लेकिन सांसद चंबा को भूल गए। 15 लाख जुमला साबित हो गया है। अगर इस पर मोदी जी से सवाल पूछने लगे तो ये मतलब नहीं है कि मैं देशद्रोही हूँ। पवन काजल काबिल आदमी है। सत्य के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए और चुनाव आयोग में शिकायत भी की जानी चाहिए। आपने देखा ही है जिस दिन से मेरा टिकट अनाउंस हुआ और मेरा 4 तारीख को जो एयरपोर्ट पे स्वागत हुआ, जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी थे, वरिष्ठ मतलब अपना मुकेश अग्निहोत्री जी, सुधीर शर्मा जी, जो भी आए थे सारे स्वागत के लिए आए थे। और आज ये जो कांगड़ा का जो हमारा हाउस है, जनरल हाउस है, इसमें सारे जिला कांगड़ा के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो मुझे आशीर्वाद देने आए हुए हैं। तो एक तो मैं धन्यवाद करूँगा राहुल गांधी जी का, जिन पर जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी यहाँ से लोग चंबा कांगड़ा का प्रत्याशी मुझे चुना है। और साथ में धन्यवाद मैं इनका भी करूँगा, जिन प्रदेश की हमारा जितने भी बड़े लीडर हैं उनका भी धन्यवाद करूँगा कि आज ये यहाँ धर्मशाला में हमारा जो पूरा हाउस है, जो कांग्रेस पार्टी का जो डिस्ट्रिक्ट जिला कांगड़ा का हाउस है, सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। राजू जी, आप नामांकन कब करेंगे? लोग नामांकन जो भरूंगा मैं, कांग्रेस पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारी जो प्रभारी है रजनी पाटिल जी, जितने भी यहाँ पे जो सीनियर लीडर हैं, इनके साथ मिलकर 29 तारीख को जो हमारा नामांकन होगा और उसी में लग जाएगा पता। जैसे ये भारतीय जनता पार्टी के जो ये 26 तारीख को भर रहे हैं और हम 29 को भर रहे हैं। आप किन मुद्दों के साथ जनता के लिए? मैं जो मुद्दे हैं मेरे, जो मुद्दे हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, आम व्यक्तित्व है मेरा। मैं ज़्यादा न वादे करता हूँ, मैं वादे लेके नहीं, मैं इरादे लेके आया। आज हमने जो हमारे पदाधिकारी हैं कांगड़ा और चंबा जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, उन सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। पार्टी का प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व जो है वो भी इधर आज आया है दिशा निर्देश देने के लिए कि पार्टी की क्या दिशा इस चुनाव में रहने वाली है। विधिवत रूप से आप ये मान लें कि आज से जो है वो चुनाव को हमने शुरू किया। सर, किस तरह देखते हैं चुनाव प्रचार, कैसे कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर के अभी जो है जनता के बीच? विफलता केंद्र की सरकार की, पिछले 5 वर्ष की, 1.5 वर्ष की प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसकी विफलता, कुछ ना कर पाना उनका, उनकी जितनी भी नीतियां और कार्यक्रम हैं उनका लोगों तक ना पहुंच पाना, सिर्फ जो है वो मीडिया या टेलीविज़न तक सीमित रह जाना, तो सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, लोगों तक नहीं पहुंची हैं। आज आप देखेंगे कि जितने साधन संसाधन भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जो है वो डाल रही है उसका तो कोई परिणाम उनको मिल नहीं रहा। आज लोग जो हैं वो खुद निकल करके यहाँ तक पहुँचे हैं दूर दराज के क्षेत्रों से, तो ये जनता का उत्साह है कांग्रेस पार्टी के प्रति।